द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकने शुरू कर दी है। चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है, लेकिन बीजेपी एक ही गीत गाए जा रही है। अमित शाह भोपालगढ़ में पाली लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे पीपी चौधरी के लिए, लेकिन वहां भी उन्होंने आचार संहिता का ना सिर्फ उल्लंघन किया बल्कि वहां जनता के सामने अनर्गल बातें भी करते नजर आए। दरअसल अमित शाह जिस मुद्दे पर देश की जनता से वोट पाना चाहते हैं, जनता अब उससे इत्तेफाक नहीं रखती है। ये आप जानते हैं कि पहले चरण में भी बीजेपी के गढ़ में भी लोग वोट करने नहीं आए, और ऐसा माना जाने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के ही ये वोटर हैं जो इतने आत्मविश्वास से भर गए हैं कि शायद नरेंद्र मोदी को वोट दें या ना दें, वो 400 पार का आंकड़ा तो पार कर ही लेंगे। ऐसे में यहां पर अमित शाह को भोपालगढ़ में जनता ने बड़ा आईना दिखा दिया। बड़ा आईना इस मायने में है कि आप अपने स्क्रीन पर विजुअल भी देखिए, शुरू से ही आप देख रहे हैं इस विजुअल को, यहाँ पर अमित शाह दिखेंगे लेकिन सामने जो कुर्सियां हैं उसमें गिनती के लोग बैठे हैं, भीड़ नहीं है। सुनने वाले अब इनसे बोर हो चुके हैं, इन्हें पता है कि अमित शाह आएंगे तो फिर धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे। अमित शाह आएंगे तो कहेंगे कि 300 पार कराया तो ये कर दिया, 300 पार कराया तो वो कर दिया, अब 400 पार करा दो तो और भी चांद तारे तोड़ दूंगा। लेकिन महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचारी पर, इन सब पर नहीं बोलते हैं। देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झूठे दावे करते हैं। सीमाओं में चीन का घुस जाना इनके लिए चिंता का विषय नहीं होता है। हाँ, राम मंदिर का मुद्दा ये खूब उठाएंगे, माइनॉरिटी को कैसे नीचा दिखाएं उसके लिए भी तीखी टिप्पणी करते नजर आएंगे। जनता यह बात अच्छे से समझ चुकी है, इस वजह से जो आप अपने स्क्रीन पर यह विजुअल देख पाए हैं कि इसमें कुर्सियां खाली हैं, यह भारतीय जनता पार्टी को बहुत हताशा की ओर ले जा रही है। क्योंकि जनता ने पहले चरण में इतने कम मतदान किए, इसके मायने राजनीतिक पंडितों ने यही निकाले हैं कि सत्ता परिवर्तन के इशारे तो हैं। यहां पर तो इनके मंत्री अभी भी खुले मंच से कहते मेरी सरकार तो आने दो, हम फैसला ही पलट देंगे सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है, तो इनका कहना है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से वापस लेकर आएंगे। अब ऐसे लोगों को अगर जनता वोट करेगी तब तो भाई देश में बीते 10 सालों में जो सारी घटनाएं देखी गई हैं, क्या उसकी पुनरावृत्ति चाहते हैं? अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने वाले अमित शाह कितने चालाकी से राम मंदिर को भुनाने की कोशिश करते हैं। जरा यहाँ पर सुनिए कैसे 3 तलाक का मुद्दा उठाते हैं, और यही इनके लिए हर बार वोट का एंगल बनता है। अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, जरा सा सुन लीजिए। ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया, 300 पार कराया, माताओं बहनों जोर से ताली बजाना, विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 300 पार कराया, सीए पारित कराया, 300 पार कराया, यूसीसी लेकर आए, और सबसे बड़ी बात 300 पार कराया रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बना। तो सुना आपने, इस वीडियो क्लिप को शेयर किया है संगीता भारती ने, और इन्होंने लिखा है कि कल भोपालगढ़ में 400 वाली कुर्सियां ज्यादातर खाली रही, अमित शाह जी का भाषण चल रहा था, आज भी कोई जनहित के मुद्दे पर वोट ना मांग कर राम मंदिर पर वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से शिकायत की गई है बातों को लेकर कि इस पर संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, और अमूमन कार्रवाई नहीं होती है तो लोगों को दुख होता है, क्योंकि धर्म के नाम पर वोट मांगना आचार संहिता का साफ तौर पर उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग अमित शाह के भाषणों पर कोई संज्ञान लेने की जहमत करता ही नहीं है। कहा जाता है कि भाई जब यस मैन की नियुक्ति हो जाती है चुनाव आयोग में
जैसा कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली कमेटी से बाहर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मिलकर चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति की, तो उसका असर तो दिखेगा कि कार्रवाई तो विपक्ष के नेताओं पर हो जाएगी, लेकिन गृह मंत्री पर, प्रधानमंत्री पर, वित्त मंत्री पर कार्रवाई बहुत मुश्किल है। डॉक्टर इमरान खान ने ट्वीट किया है उसे वीडियो पर कमेंट के तौर पर कि चुनाव आयोग जहां जहां पर धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या वहां पर दोबारा चुनाव होगा या जो लोग धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उनका नामांकन रद्द होगा क्या? ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, लोग सवाल पूछेंगे, जवाब भी मांगेंगे, क्योंकि देश में इस वक्त राम मंदिर के नाम पर ही वोट मांगने की पूरी कोशिश चल रही है। राम मंदिर आपने बनाया तो उसे दुनिया जानती है, लेकिन इसका आप चुनावी लाभ लेने की कोशिश करेंगे और लोगों को कहेंगे कि राम मंदिर के नाम पर वोट दो, तो ये बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर देखिए, राजस्थान तक ने खबर भी प्रकाशित की है कि कैसे वो अपने भाषण में राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं और राम मंदिर के उद्घाटन पर क्यों नहीं जो कांग्रेस के लोग हैं गए थे, इस पर भी वो टिप्पणी करते हैं और माइनॉरिटी वोट पर तंज कसते हैं। यहाँ हेडलाइन में लिखा गया है कि हर 3 महीने में थाईलैंड जाते हैं राहुल बाबा, हम अल्पसंख्यक वोटों से नहीं डरते। ये अमित शाह का बयान है। ये क्या हिंदुओं को उकसाने की कोशिश नहीं है कि हमें अल्पसंख्यकों के वोट से फर्क नहीं पड़ता, आप लोग खुश रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? क्या यह हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं बनता है? क्या मुसलमान देश के नागरिक नहीं है? खास करके अल्पसंख्यकों की बात करें तो इंक्लूडिंग मुसलमान जितने भी धर्म के लोग हैं, क्या वो अमित शाह के लिए मायने नहीं रखते कि उनके वोट से उन्हें डर नहीं लगता? क्या बीजेपी ने यह समझ रखा है कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं करते हैं, इस कारण से उनके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है? तमाम ऐसे सवाल उठते हैं। अब देखिए कि वो कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपालगढ़ में पाली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर तंज कसे। उन्होंने कहा, मुझे एयरपोर्ट पर बताया कि पंडाल उड़ गया है और मेरा होश उड़ गया। चिलचिलाती धूप में बिना पंडाल के कौन बैठा होगा? आप सभी लोग धन्य हैं कि आप लोग बैठे हो, इसलिए भजन लाल जी का भाषण भी टलवा दिया, मैं भी थोड़ा ही बोलकर बंद कर दूंगा। भोपालगढ़ वाले तो इशारा समझने वाले लोग हैं, इशारा समझने वाले लोग हैं, पंडाल तो इसमें दिखाई पड़ता ही है, लेकिन भीड़ नहीं है अमित शाह जी, कुर्सियों पर लोग नहीं हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, यह तो साफ हो गया है। अब देखिए यहाँ क्या बहुत बड़ी बात है जो अमित शाह ने कही है। वीडियो में तो आपने सुना है कि 370 खत्म कर दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, ये सारी चीजें, लेकिन माइनॉरिटी पर कैसे निशाना साधा गया जरा देखिए। यहाँ कहा गया है कि उन्होंने कहा कि आज़ादी मिली तब से रामलला टेंट में थे, सालों तक रामलला को टेंट में बैठाए, राम जन्मभूमि का केस लटका कर रखा, मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मंदिर बना, 500 साल बाद रामलला ने अपना बर्थडे नए मंदिर में मनाने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी जब निमंत्रण मिला तो नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा में, ये माइनॉरिटी के वोट बैंक से डरते हैं, हम नहीं डरते। न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर और सोमनाथ का मंदिर सोने का बन रहा है, कश्मीर हमारा है या नहीं? अब ये सोच लीजिए आप कि खुले तौर पर धर्म के नाम पर वोट मांगा गया है, और ऐसे में इससे यह साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। अगर अमित शाह पर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर किस पर कार्रवाई होगी? चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा तो क्या वो इंतजार कर रहा है कि राहुल गांधी कोई टिप्पणी करें तो उनके जो नामांकन को रद्द करवा दें, उन्हें चुनाव लड़ने दें? क्या इस फिराक में है क्या चुनाव आयोग? सत्ताधारियों के लिए कोई एक्शन नहीं, देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।